हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के लिए काफी अच्छी हायरिंग अपडेट को लेकर। ओके, सो यहां बता दो फ्रेंड, आप ही जो बात करेंगे हम लोग व्हेन टीसीएस इज गोइंग टू हायर फॉर कैप लाइक व्हेन टीसीएस कॉग्निजेंट कैपजेमिनी विप्रो फॉर ईटीसी कंपनी स्टार्ट हायरिंग फॉर 22 23 एंड 24 पे। फ्रेंड 25 बैच वालों के लिए तो ऑलरेडी हायरिंग आउट है, 24 बैच वालों के लिए भी रिक्रूटमेंट आ रही है। बट हाँ, एक चीज आपने नोटिस करा होगा, जो टीसीएस हर एक कंपनी का जो ऑफिशियल हायरिंग होता है, ठीक है, ऑफिशियल हायरिंग मीन्स जैसे टीसीएस का हायरिंग क्या होता है, निंजा डिजिटल प्राइम। आपको पता हो फ्रेंड, अभी फिलहाल 25 बैच वालों का एग्जाम चल रहा है, जिसका नेक्स्ट फेज का जो एग्जाम है वो बीपीएस वालों का जो भी है, निंजा डिजिटल प्राइम बीपीएस वालों का 11 अक्टूबर है, करेक्ट। तो यहाँ पर टीचर्स हायरिंग कर रही है, बट अभी देखोगे तो टीचर्स जो है 24 23 22 वालों को निंजा डिजिटल प्राइम के लिए हायरिंग नहीं कर रही। हाँ, बीपीएस हायरिंग हो रहा है, वॉक इन ड्राइव भी चल रहा है, बट हाँ, लेकिन फ्री एंड क्यूटी का भी अनाउंसमेंट नहीं है। कैपजेमिनी का एनालिस्ट सीनियर एनालिस्ट का रिक्रूटमेंट अभी तक देखने को नहीं मिला। कॉग्निजेंट का पैट्रोल का हायरिंग 22 23 24 बैच वालों के लिए देखने को नहीं मिल रहा है। 25 बैच वालों का चल रहा है ऑन कैंपस, बट ऑफ कैंपस हायरिंग अभी तक देखने को नहीं मिला। विप्रो का भी प्रोजेक्ट इंजीनियर पता होगा आप लोगों को, देखने को नहीं मिला है ना। इन्फोसिस का रिक्रूटमेंट सिस्टम इंजीनियर फिलहाल अभी देखने को नहीं मिला है फॉर फ्रेशर्स बैच, जो ऑन कैंपस है उनके पास आ रहा है अपडेट्स, बट जो 22 23 24 बैच वाले हैं उनके पास नहीं आ रहा है। सो क्या टीचर्स ये सारी कंपनी हम लोग को हायरिंग करेगी, मतलब ये 24 25 23 बैच वालों को रिकमेंड करेगी? तो बता दो फ्रेंड, डिपेंड करता है कंपनी के बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के ऊपर में, ठीक है। तो ये हायरिंग आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, चांसेस काफी कम है कि हाँ 22 बैच वालों को कंसिडर किया जाए। क्योंकि देखो अभी जो कॉन्गियन का रिक्रूटमेंट चल रहा है वो क्या आपका डिजिटल वर्क प्लेस, करेक्ट, ये रिक्रूटमेंट चल रहा है 24 बैच वालों के लिए। तो जो ऑफिशियल हायरिंग होता है वो रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, चांसेस है, बट ज्यादातर अभी जो कंपनी फोकस करेगी वो 21 बैच वालों को भी इसमें इंक्लूड कर लेता हूँ मैं, ठीक है, 21 बैच वालों को भी हायरिंग करेगी। और ये हायरिंग आपको फ्रेंड जो है अक्टूबर के इन में या फिर नवंबर में कभी भी आपको देखने को मिल सकता है, बट हाँ हायरिंग देखने को मिलेगा। इस आप लोग बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना कि सर हम लोग के लिए हायरिंग नहीं आएगी, कि हम लोग 22 23 24 21 बैच वाले हैं, कि हम लोग के लिए हायरिंग नहीं आएगी। क्योंकि टीचर्स ने हायरिंग बहुत पहले आईटीपी को अनाउंस करा था, बाद में क्लोज कर दिया, बाद में फिर टीचर्स ने ऑन कैंपस वालों को हायरिंग करना स्टार्ट कर दिया, बट ऑफ कैंपस हायरिंग ही करना भूल गई कि निंजा टीचर प्राइम ऑफ कैंपस वाले भी कैंडिडेट्स हैं। बट अभी जो हायरिंग चल रहा है वो टीचर्स आए उनका पेड एंड क्यूटी, आप लोग चाहो दे सकते हो, आई थिंक 6 नवंबर को एग्जाम है वो पेड एंड क्यूटी है, बट वहाँ से टीचर्स हायरिंग नहीं करती है। बट डेफिनेटली अक्टूबर में इस मंथ के एंड तक या फिर नवंबर में डेफिनेटली ये सारी कंपनीज आप लोग के लिए रिक्रूटमेंट लेके आएगी, और मैं आपको अपडेट डेफिनेटली करूंगा। अपडेट ये आपको मैं कल रात में भी कर सकता हूँ, परसों भी कर सकता हूँ, जब भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। शुड बी कंप्लीट बीजीसी और वेट फॉर जॉइन लेटर। देखो अगर आप में से काफी लोग बोल रहे सर हम लोग डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पा रहे बिकॉज सम डॉक्यूमेंट आर मिसिंग, तो आप लोग छोड़ सकते हो, इन दैट केस आप लोग जॉइन लेटर का वेट करो, उसके बाद आप लोग उसके बाद अपना बीजीसी कंप्लीट कर लो, करेक्ट। तो एक बार आप लोग मेल जरूर कर देना एक्सप्लोर टीम को, कैन आई कंप्लीट माई बीजीसी बिकॉज आई हैव सम पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स और शुड आई वेट फॉर द जनरेटर, आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आप पर डिपेंड करता है, अगर आपको लगता है कि मेरा कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, अगर मान लो किसी लोगों ने पूरा सबमिट कर दिया तो इन दैट केस आपको मेल आ जाएगा, अगर आपका कहीं भी डॉक्यूमेंट मिसमैच रहेगा तो मेल आएगा, ओवरऑल रिवोक नहीं होगा, आपके पास मेल आएगा एचआर का, ठीक है। टीचर्स कंफर्म कंप्लीट वेंडिंग जॉइनिंग बिफोर दिसंबर। देखो ये कंफर्मेशन तो नहीं है, बट हाँ अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये नवंबर दिसंबर का जो मंथ है आईपी एग्जाम होने के बाद जॉइनिंग काफी देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट ईयर बहुत सारे बोल सकते हैं हम लोग जॉइनिंग नेक्स्ट ईयर होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, इस साल में आप लोग एक्सपेक्टेशन कर सकते हो, ठीक है। विप्रो का जो फिर आज एग्जाम हुआ तो उसमें काफी लोगों का प्रॉब्लम फेस करने को मिला था, आप लोग मैं दिखा दूंगा इस यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो यस पोस्टपोन नेक्स्ट वीक एसपीआर कम्युनिकेशन अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो विप्रो का भी जो है जो राउंड हुए थे और प्रॉब्लम हुए थे, टुडेज असेसमेंट एंड ड्यू टू द टेक्निकल इश्यूज वी आर गोइंग टू रिसीड्यूल असेसमेंट संडे 30 अक्टूबर को रिसीड्यूल किया गया, रिसीव रिक्वायरमेंट कम्युनिकेशन रिलेटेड टू द असेसमेंट, ठीक है। और ये अपडेट विप्रो को लेकर नेक्स्ट बताओ, यहाँ पर बहुत सारे लोग मेंटेनेंस विप्रो को लेकर, और नेक्स्ट आपका अपडेट आ रहा है फ्रॉम कॉग्निजेंट, पता है कॉग्निजेंट रिसेंटली आप लोग के लिए हायरिंग कर रही है, ठीक है, मल्टी क्लाउड हायरिंग कर रही है, ठीक है, मल्टीपल रोल के रिक्रूटमेंट फिलहाल कॉन्फिडेंट चल रहा है, और जितने भी हायरिंग अभी चल रहा है उसमें एग्जाम के मेल ऑलरेडी आना चालू हो गए। देखिए राउंड वन क्या है, कम्युनिकेशन असेसमेंट, तो राउंड वन मेल भी आ रहे हैं, राउंड टू भी मेल यहाँ पर आपके पास देखने को मिलेंगे। तो अभी हायरिंग एक्टिव है, जितने लोगों ने नहीं अप्लाई करा आप लोग गाइस अप्लाई जरूर करना गाइस, ठीक है, क्योंकि अभी हायरिंग एक्टिव है। सर आई अप्लाइड फॉर टीसी बीपीएस एंड क्विट एग्जाम बट दैट एग्जाम इज 11 अक्टूबर बट नॉट रिसीव एनी एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड आपके पास दो या तीन दिन पहले आएगा, एक या दो दिन पहले आएगा, तो डरने की बात नहीं है। आई अटेंडेड टीसी इंटरव्यू 29 अगस्त, टुडे माय फ्रेंड गॉट नोटिफिकेशन मेल ही टू रिसीव द सेम डेट, मतलब फिर रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके अगस्त, मैंने बताया था अगस्त बैच वालों को काफी लोगों को सिलेक्शन मेल आ रहे हैं, डिफरेंट नोटिफिकेशन के मेल भी आ रहे हैं, और जिनके पास नहीं आ रहे आप लोग फेस टू हो तो वेट करो, कुछ दिन के अंदर आपके पास अपडेट देखने को मिलेंगे। अपग्रेड फ्रॉम डिजिटल टू प्राइम ऑफर टर्न 77 टू ट्वाइस, आप अपग्रेड किए प्राइम तो आप डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट योर जॉइनिंग इन द मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर, ठीक है। अक्टूबर में चांसेस है, लेकिन देखो यू नेवर नो, कभी भी आपके पास अपडेट्स आ सकते हैं। अपने नेक्स्ट पोर्टल को आप लोग डेली विजिट करते रहना, डेली चेकआउट करते रहना, ठीक है। तो यहाँ पर रहा आप लोग के लिए कंफर्म और द अपडेट्स, इसके अलावा कोई डाउट्स वगैरह पूछना का इस वीडियो पे लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, मैं आप लोगों से अपडेट्स करता रहता हूँ, मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।